गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ठीक है एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी थ्री पॉइंट सेवन और इसका होगा पार्ट वन ठीक है तो पार्ट वन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे मतलब कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे तो चलिए पहला सवाल देखते हैं पहला सवाल क्या है अध्ययन करते हैं सवालों का दो मित्रों अनी और बीजू बीजू की आयु में अंतर कितना है तीन वर्ष का अंतर है क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र हैं एक अनी नाम का है दूसरा है बीजू नाम का ठीक है दोनों की आयु में अगर अंतर की बात करें डिफरेंस की बात करें अंतर मीन्स होता है घटाना सभी को पता है तो अंतर कह रहा है दोनों की आयु में जो अंतर है वो है कितना तीन वर्ष का ठीक है तो तीन वर्ष का अंतर की बात कर रहा है ठीक है आगे हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अड़ी लिख गया है जहाँ पे अनि ही होगा तो अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु की दुगनी बात कर रहा है धर्म की आयु की तो धर्म की आयु जो अनि के पिता हैं, तो अनि की आयु धर्म है धर्म पिता उनके तो अनि की आयु की दुगनी अब देखिए अनि की आयु कुछ मान लेंगे तो हमने मान लिया अनि की आयु यक्ष वहीं पे बीजू की आयु को मान लिया वाई अब यहाँ पे कंडीशन में बोला गया है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी मतलब अनी की आयु की दुगनी तो दुगनी मतलब दो गुड़ते कितना हो जाएगा एक्स मतलब दो एक्स ये किसकी आयु हो जाएगी तो ये होगी आयु किसकी दो एक्स जो आयु होगी ये आयु होगी धर्म की ठीक है धर्म की आयु आ जाएगी दूसरी वही पे बात कही गई है कि बीजी की बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है देखिए बीजू की आयु तो हमको पता है लेकिन कैथी की आयु तो नहीं पता तो हम लिख देंगे यहाँ पे बीजू की आयु ठीक है बराबर कितने के दो गुड़ते कैथी की आयु जब इस तरह से करते हैं कि बीजू को आयु पता है इसको वाई मान लेंगे बराबर दो गुड़ते कैथी की आयु यहाँ पे जब कैथी की आयु निकालेंगे तो ये दो जो है इसके बटे में चला जाएगा तो आ जाएगा वाई बटे दो बराबर किसकी आयु आई है कैथी की आयु किसकी आ गई कैथी की आयु ठीक है तो इस तरह से हमें करना होगा दोनों स्टो को समझना होगा फिर आगे बात कही गई है कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है वो तीस वर्ष है कितने वर्ष है वर्ष अनी की आयु और बीजू की आयु ज्ञात की जी ये दोनों की आयु हमें ज्ञात करना है ठीक है तो हमने मान लिया माना अनी की आयु जो है वो एक्स वर्ष है वहीं पे अगर बीजू की आयु की बात करेंगे तो बीजू की आयु जो होगी वो वाई वर्ष होगी कितनी होगी वाई वर्ष ठीक है अनी की आयु होगी यहाँ पे शुरू भी डाल देते हैं ठीक है तो अनि की आयु होगी यक्ष वर्ष बीजू की आयु कितनी होगी वायु वर्ष चलिए क्वेश्चन को आगे हम हल कर लेते हैं देखिए प्रश्न अनुसार अगर बात करें तो अनि तथा बीजू की आयु में अंतर कितने वर्ष का है तो अनि की आयु हमने यक्ष वर्ष मानी थी बीजू की आयु मानी थी वाई तो देखिए अंतर की बात कही गई थी तो हमने इसको मान लिया वाई बराबर के। इसको समीकरण नंबर कितना मान लिया ठीक है तो क्योंकि अनी और बीजू में ये नहीं बताया गया कि कौन बड़ा है केवल कहा गया अनी और बीजू की आयु में अंतर हमें यह नहीं पता कि कौन बड़ा है ठीक है तो हमने यक्स माइनस वाई बराबर तीन कर दिया समीकरण नंबर इसको एक मान लिया अब दूसरी कंडीशन पे यहीं पे बोला गया था कि अनी के पिता धर्म की आयु दो गुड़ते अनी की आयु मतलब कि अनी की आयु की क्या है दुगनी है ठीक है तो अनी की आयु जो थी वो हमने यक्ष मानी थी तो यहाँ पे दो में यक्ष रख देंगे तो टू यक्स आ जाएगी वहीं पे दूसरी कंडीशन में बोला गया था कि जो कैथी की आयु जो कैथी तो बीजू की आयु किसके बराबर थी दो गुड़ते, गुड़ते था कि यहाँ पे जो कैथी की आयु है दुगुना है किसकी आयु की बीजू की, की आयु की तो हम लिख सकते हैं दो गुड़ते कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु लिख सकते हैं लिख दिया हमने लिख दिया कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु थी ठीक है तो देखिए बीजू की आयु वाई थी हमने इसकी पर कितना रख दिया वाई रख दिया ठीक है कैथी की आयु में दो का गुणा था जब किसी में भी मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी संख्या का तो वो सामने वाले के बटे आ जाती है तो ये दो जो होगी ये y के बटे में चली जाएगी तो हमारा जो कैथी की आयु आ गई वो आ गई कैथी की आयु y बटे टू ठीक है फिर देखिए दूसरी कंडीशन जो थी हमारी वो क्या कहा गया था उसमें उसमें कहा गया था कि कैथी और धर्म की आयु में अंतर तीस वर्ष का है कैथी और धर्म की आयु में अंदर तीस वर्ष का है कैथी एक लड़की है कैथी क्या है एक लड़की है मतलब और धर्म क्या है धर्म जो है ये अनी के पिता हैं ठीक है धर्म किसके पिता हैं अनी के पिता हैं ठीक है तो धर्म बड़े हैं और कैथी जो है वो छोटी है मतलब तो हमेशा हमें पता है कि बड़े की आयु में ही छोटे की आयु घटाई जाती है बड़े की आयु में ही क्या किया जाता है छोटे की आयु घटाई जाती है तो कैथी और धर्म की आयु में अंतर दे दिया गया तीस वर्ष धर्म बड़े हैं कैथी छोटी है इसका मतलब हमने लिख दिया कि धर्म की आयु कितनी थी तो धर्म की जो आयु थी वो टू एक्स थी ठीक है तो टू एक्स माइनस कितना वाई बटे दो तो लिख दिया माइनस वाई बटे दो बराबर कितने के होगा तो बराबर होगा तीस के क्योंकि तीस वर्ष है लिख दिया ये हमारी कंडीशन दूसरी बनी है अब देखिए दो एक्स के नीचे हम एक मान सकते हैं हमने एक मान लिया इस तरह से अब लाशा लेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे लाशा लिया हमने दो दो अब दो इधर गुणा करवा दिया और इसका गुणा एक का इधर करवा दिया दो नुना कितना आ जाएगा चार और वाई का गुणा एक में करवाएंगे तो एक आ जाएगा अब देखिए जो नीचे लास्ट सा दो लिया था वो दो हम यहाँ पे भेज देंगे इसके एक मान के तो तीन दुनी तीस दुनी कितना हो जाएगा साठ तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है चार एक्स माइनस वाई बराबर कितने के साठ के ये दूसरी कंडीशन हमारी बन गई तो देखिए पहली कंडीशन बने की थी एक्स माइनस वाई बराबर तीन के और दूसरी कंडीशन जो हमारी बनी है वो बनी है चार एक्स वाई बराबर कितने के साठ के ये बनी कंडीशन अब हम करेंगे लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर क्यों घटाने पर लिखेंगे हमें दिख रहा है वाई वाई समान है उनके चिन्ह भी समान है जब चिन्ह समान होते हैं तो हमेशा घटाने पर ही लिखा जाता है तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो को घटाने पर चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको तो देखिए हमारे पास दो रिएक्शन थी हमारे पास जो पहली रिएक्शन थी वो थी एक्स माइनस वाई बराबर कितने के तीन के दूसरी जो कंडीशन हमारे पास आई थी वो आई थी चार एक्स माइनस वाई बराबर कितने के साठ के तो हमने लिखा था कि घटाने पर हम इन दोनों को घटाएंगे जब हम लिख देंगे घटाने पर घटाने पर तो हम इस तरह से भी तो इसको लिख सकते हैं इन दोनों को घटा दें और इनको इनको घटा दें तो चलिए घटा के हम लिख देते हैं घटा के जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस फिर लिखेंगे चार एक्स माइनस वाई बराबर तीन माइनस साठ घटाने पर इसी तरह से करेंगे माइनस तीन बीच में लगता है अब देखिए जब भी बीच का चिन्ह जो माइनस में लगता है ये अंदर जाता है तो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का चार एक्स ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई बराबर देखिए साठ में तीन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सत्तावन किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे एक हमको वाई माइनस का एक प्लस का दिख रहा है कैंसिल कर देते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए चार एक्स है यहाँ पे तीन है घट जाएगा लेकिन चिन्ह का एक आएगा माइनस का क्योंकि हमेशा बड़े का ही चिन्ह आता है तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ तीन एक्स बराबर कितने के के आ जाएगा माइनस सत्तावन के माइनस से माइनस कैंसिल ठीक है कैंसिल हो गया तो x बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो x बराबर जब निकालेंगे सत्तावन बटे तीन ठीक है तीन का भाग दे दीजिए सत्तावन में भाग देंगे तीन का तीन एक के तीन ठीक है तीन एक के तीन दो बचेगा तीन नवा सत्ताईस मतलब जो एक्स की वैल्यू निकली वो कितनी निकली उन्नीस तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बराबर कितना उन्नीस अब जब एक्स की वैल्यू आ गई है तो इसे हम समीकरण एक में उठा के रख देते हैं तो वाई की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो लिख देते हैं एक्स का मन समीकरण कितने में रखने पर एक में रखने पर ठीक है समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखेंगे समीकरण एक था हमारे पास x माइनस वाई बराबर तीन यहाँ पे x की वैल्यू आई है उन्नीस रख दिया हमने माइनस वाई बराबर कितने के तीन के यहाँ पे हम कर लेंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये जो y आएगा वो इधर चला जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा और ये आएगा तीन इधर आ जाएगा तो आ जाएगा उन्नीस माइनस तीन तो यहाँ पे जब उन्नीस में तीन घटा देंगे जब उन्नीस में तीन घटाएंगे तो y बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सोलह ठीक है तो y बराबर हमारा कितना निकला सोलह निकला और x बराबर कितना निकला कितना निकला एक्स बराबर तो एक्स बराबर उन्नीस तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अनी की जो आयु थी यहाँ पे लिख देंगे हम अनी की आयु जो निकली तो लिख देंगे अनी की आयु बराबर उन्नीस वर्ष ठीक है अब यहाँ पे लिख देंगे आगे लिखेंगे तो लिखेंगे बीजू की आयु किसकी आयु बीजू की आयु बराबर कितनी आई है हमारी सोलह वर्ष क्योंकि एक्स का मान उन्नीस था और वाई का जो मान था वो था सोलह वर्ष तो अनी की जो आयु निकली वो उन्नीस वर्ष और बीजू की जो आयु निकली वो कितनी निकली, निकली है सोलह वर्ष तो इस तरह से हमारी अनी और बीजू की आयु जो है वो निकल आई है ठीक है तो यहीं से हमारा ये कम्प्लीट होता है नीमेरिकल अब एनिमेरिकल अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे तो चलिए चलें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है ठीक है एक मित्र दूसरे से कहता है क्या कह रहा है एक मित्र दूसरे से तो एक मित्र दूसरे से कहता है कि ठीक है यदि मुझे एक सौ दे दो ठीक है एक सौ का मतलब सौ रुपये दे दो ठीक है यदि मुझे एक सौ दे दो तो मैं तुमसे दो गुना धनी बन जाऊंगा एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि अगर तुम मुझे सौ रुपये दे दोगे तो कितना मैं आपसे दो गुना धनी बन जाऊंगा ठीक है दूसरा जो मित्र है वो उत्तर देता है कि यदि आप मुझे दस दे दें तो मैं आपसे गुना धनी बन जाऊंगा वो कह रहा है कि यदि आप मुझे कितने दस रुपए दे दें तो मैं आपसे गुना धनी बन जाऊंगा बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां कितनी है ठीक है उनकी क्रमशः कितनी संपत्तियाँ कितनी कितनी संपत्तियाँ हैं दोनों की ठीक है दोनों के बारे में बात करना है ठीक है तो चलिए हम मान लेते हैं पहले मित्र का मान लेते हैं x और दूसरे मित्र को कितना मान लेते हैं वाई फिर हम पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को पढ़ के उसे हल करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में देख लेते हैं देखिए सॉल्यूशन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने मान लिया माना फर्स्ट मित्र मतलब पहले मित्र की जो संपत्ति है वो अक्स रुपए सेकेंड मित्र की जो संपत्ति है वो आई रुपए तो देखिए पहली शर्त की में कहा गया था कि यदि तुम मुझे सौ दे दो ठीक है यदि मुझे तुम सौ दे दो तो देखिए क्योंकि जो दूसरा मित्र पहले मित्र को देगा तो पहले के ऊपर कितना चलेगा प्लस का साइन चढ़ेगा और दूसरा वाला वाई दे रहा है इसको तो उसके पास से कितने रुपए गए हैं सौ तो रुपए गए हैं और इसने लिए हैं तो जिस जो लेता है उसके ऊपर उसके प्लस का साइन चढ़ता है और जो देता है उसके ऊपर माइनस का साइन चढ़ता है तो यहाँ पे लिख दिया गया एक प्लस दस बराबर उसने कहा था मैं तुमसे गुना धनी बन जाऊंगा कौन दूसरा कह रहा था ठीक है मतलब पहला कह रहा था मैं तुमसे दो गुना धनी बन जाऊंगा मतलब दूसरे वाले में कितने गुना करवाना है दो का तो यहां पे हमने करवा दिया दो गुणते वाई माइनस सौ अब इनको मल्टीप्लिकेशन अंदर करवा लेते हैं टू वाई का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो टू वाई माइनस दो सौ आ जाएगा ठीक है अब हम इसका पक्षांतर कर लेंगे पक्षांतर किया तो आ गया है, X प्लस सौ माइनस टू आई प्लस दो सौ बराबर कितने के जीरो कि टू आई प्लस में होगा इधर जाएगा तो माइनस में ये माइनस में होगा इधर जाएगा तो प्लस में होगा अब देखिए एक्स माइनस टू आई और सौ दो सौ कितना होता है तीन सौ रुपए बराबर कितने के जीरो के ये बन गया हमारा समीकरण नंबर एक बन गया क्या बन गया समीकरण नंबर एक यक्स माइनस टू आई प्लस सौ बराबर कितने के जीरो के ये हमारी कंडीशन फर्स्ट बन गई है अब हम सेकेंड कंडीशन की बात तो देखिए यहीं पे हम सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन वो फर्स्ट थी और यहाँ पे हम करेंगे कंडीशन सेकेंड यहाँ पे लिख दीजिए कंडीशन सेकेंड कंडीशन सेकेंड में बात की गई थी उसने कहा था कि यदि आप मुझे दस दे दें दे, दूसरे ने कहा था मतलब दूसरे मित्र ने कहा था तो दूसरे मित्र ने कहा था इसने कहा था यदि आप मुझे दस रुपए दे दो तो जो देता है ठीक है उसके तरफ हमेशा प्लस का साइन रहता है ठीक है तो इसलिए इसकी तरफ प्लस के दस जोड़ दिए गए जिसको दिया है तो पहले मित्र को दिया था तो दस रुपए दिए तो माइनस का साइन चढ़ गया अब इसने कहा था तो छह गुनी मैं तुमसे धनी बन जाऊंगा पहले मित्र के लिए कहा था दूसरे ने तो दूसरे के दूसरे ने पहले के लिए कहा था कि मैं तुमसे गुनी बन जाऊंगा मतलब किस में गुड़ा करना था छह का पहले में मल्टीप्लिकेशन करना था तो हमने पहले वाले में मल्टीप्लिकेशन कर दिया ठीक है अब देख लीजिए हम इसको क्या करेंगे अंदर गुणा करवाएंगे तो 6X6 का इसमें अंदर गुणा करवाए माइनस साठ अब देखिए ये वाई प्लस दस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख देंगे पक्षांतर करने पर ठीक है पक्षांतर करके आएगा ये इधर y प्लस में है इधर आएगा माइनस में ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में देखिए तो बन गया समीकरण छाइनस वाई फिर साठ और दस जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है जुड़ता है जुड़ जाएगा तो आ जाएगा सत्तर ये कंडीशन हमारी सेकेंड बन गई हम लिख देंगे समीकरण एक से समीकरण एक से क्योंकि हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो समीकरण एक से हमने लिख दिया है हमने x की वैल्यू निकाल ली है जब x की वैल्यू निकाली है तो देखिए पछ्छांतर करने पर ये जो दो, दो वाई है माइनस में था ये इधर प्लस में चला गया है ये माइनस प्लस में था तो ये माइनस में चला गया है तो आ गया ये बराबर माइनस का तीन सौ प्लस दो y इस तरह से आ गया अब हम करेंगे क्या हम समीकरण दो में उठा के इस मान को रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण दो में क्या करने पर मान रखने पर किसका मान रखने पर तो x का मान रखने पर x की वैल्यू जो हम समीकरण दो में उठा के रख देंगे तो देखिए समीकरण दो यही था हमारा इसमें हमने उठा के रख दिया है तो x हम रख दिया के जम ठीक है बाहर कितना सौ छः का, का गुणा दो से करवाएंगे तो कितना छूनी बारह वाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वाई माइनस का सत्तर ठीक है आगे करेंगे तो देख लीजिए जब बारह में हम वाई घटा देंगे तो आ जाएगा ग्यारह वाई प्लस का अठारह सौ है अठारह सौ माइनस का और ये भी माइनस का जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस अठारह सौ सत्तर अब यहाँ से हम करेंगे क्या तो यहाँ पे करेंगे हम पक्षांतर करने पर जब हम पक्षांतर कर लेंगे ग्यारह वाई जो जा, जाएगा उधर साइड में तो इस तरह से बन जाएगा देख लीजिए ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है ठीक है अठारह सौ बराबर कितना कर दिया गया माइनस ग्यारह वाई नहीं तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल तो देखिए जब ग्यारह वाई बचेगा तो वह हमने हमेशा बताया गया आपको कि जब भी कोई म, किसी के मल्टीप्लिकेशन में होता है इसकी वैल्यू निकाली नहीं होती है तो वो हमेशा सा सामने वाले के बटे में आ जाता है तो ये इस तरह से आ गया वाई बराबर अठारह सौ बट सत्तर बटे ग्यारह के ग्यारह का भाग इसमें दिया ग्यारह एक के ग्यारह ग्यारह सत्तर सतर जीरो है ये तो एक सौ सत्तर वाई की वैल्यू हमारी निकल आई अब जब वाई की वैल्यू निकल आई तो हम उठा के कहाँ पर रख देते हैं इसमें उठा के रख देते हैं ठीक है समीकरण एक किसी भी बोला जाएगा तो यहीं पे उठा के रख दीजिए मान तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया एक्स बराबर माइनस तीन सौ प्लस दो वाई है हमने लिख दिया कि y का मान रखने पर वाई का मान 170 था हमने रखा यहाँ पे कितना आ गया 340 340 में 300 घटा देंगे कितना आएगा 40 प्लस का तो देखिए फर्स्ट मित्र की जो संपत्ति आ गई वो चालीस रुपये आ गई और जो सेकेंड मित्र की संपत्ति आ गई वो आ गई एक सौ तो ये था हमारा क्या आंसर हमारा आंसर क्या होता है कंप्लीट होता है सेकेंड नंबर जो सवाल था वो भी हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है चलिए अब हम अपना थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसको भी चेक कर लेते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं देखिए यहाँ पे सवाल क्या है सवाल है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति हावर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से दो घंटे कम लगते यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से तीन घंटे अधिक लगते क्वेश्चन क्या किसने बोला है कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है पहले उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी तो समान चाल से तय कर रही है मतलब जो दूरी समान चाल से तय करी उसको हम यक्स मानेंगे ठीक है और जब वो अधिक चलती है तेज चलती है दस किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तो नियत समय से दो घंटे कम लगते हैं और यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर धीमी चलती है तो उससे तीन घंटे अधिक लगते हैं तो हमें कंडीशन यहाँ पे बनानी है तो पहले हम मान लेते हैं ठीक है चलिए मान लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इस यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तो देखिए अगर बात करें हम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की तो रेल रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हम मान लेंगे एक्स वाई कितना मान लेंगे एक्स वाई ठीक है तो रेलगाड़ी की जो तय की गई दूरी होगी वो एक्सवाई होगी हमने मान लिया ठीक है दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बोला गया यहाँ पे एक मतलब बात बोली गई है कि कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति अधिक तेज चलती है और उसे नियत समय से दो घंटे कम लेते हैं तो देखिए पहले रेलगाड़ी दस किलोमीटर अधिक तेज चलती है जब अधिक तेज चलेगी ठीक है तो ये होगी क्या चाल ये क्या होगी चाल ठीक है क्योंकि, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में और ये जो समय होगा ठीक है तो हमने सूत्र पढ़ा है दूरी बराबर जो होता है तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है चाल गुड़ते क्या होता है समय यही होता है दूरी बराबर सूत्र क्या होता है चाल गुड़ते समय यही होता है तो अगर हम समय बराबर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगी दूरी बटे चाल ठीक है अगर यहीं पे हम निकालना चाहें चाल बराबर तो दूरी बटे क्या हो जाता है समय यही होता है तो दूरी बराबर सूत्र क्या लगेगा चाल गुड़ते समय यही तो लगेगा दूरी बराबर चाल गुड़ते समय ठीक है तो हमने सूत्र पढ़ लिया तो दूरी बराबर चाल गुड़ते समय देखिए यहाँ पे चाल की बात की गई है तो चाल पहली कंडीशन में बोला गया है कि चाल अगर 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो चाल को हम मान लेते हैं x ठीक है और समय को मान लेते हैं वाई समय को क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं ठीक है तो देखिए हमने x प्लस दस लिख दिया गुड़ते क्योंकि चाल गुड़ते समय होता है और दूरी के बराबर करना है ठीक है दूसरी में कह दिया है कि दो घंटे कम लगते कम लगते तो वाई माइनस कितना होता है यहाँ पे दस बराबर ये किसके होगा क्योंकि तय की गई टोटल दूरी हमने कितनी मानी है एक्स वाई क्यों मानी है क्योंकि दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है चाल गुड़ते समय ठीक है तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मान लेंगे हम सबसे पहले हम यही मान लेते हैं चलिए हम सबसे पहले मान ही लेते हैं तो सबसे पहले हम यही पे लिख दीजिएगा माना हमने लिखिए माना क्या माना कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी एक किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय होगा रेलगाड़ी में लगेगा उसे मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति वाई हावर ठीक है वाई घंटा ठीक है तो यहाँ पे जो समय मानेंगे तो समय मान लेंगे हम वाई ठीक है केवल हावर ठीक है इस तरह से मान लेंगे मतलब समय वाई मान लेंगे और वो और टोटल दूरी जो हो जाएगी तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुड़ते क्या होता है समय चाल गुड़ते समय ठीक है तो देखिए यहाँ पे वही चीज हमने की है पहली कंडीशन में हमने लिख दिया तो देखिए अब कंडीशन देख लेते हैं दूसरी कंडीशन में दस किलोमीटर धीमी बात की गई है मतलब एक्स माइनस दस और तेज कितनी करनी है तो एक्स प्लस तीन तीन घंटे अधिक लगते हैं तो एक्स प्लस तीन बराबर कितने के एक्स वाई की ये दो कंडीशन बनेंगी फिर हमें इसे हल करना है तो फिर हमारा क्या आ जाएगा रेलगाड़ा रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो निकल आएगी तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं देखते हैं देखिए ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया था कि अगर चाल दस किलोमीटर अधिक कर दी जाए और समय दो घंटे कम लगे तो वाई माइनस दो कितने के बराबर हो जाएगा एक्स वाई के क्योंकि चाल घुड़ते होता है समय ठीक है अब देख लीजिए इनका हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया है एक्स का गुणा वाई में तो एक्स वाई और यहाँ पे एक्स कर गुणा करवाएंगे दो में तो दो एक्स अब यहाँ पे दस का गुणा वाई में करवाएंगे कर दस वाई दस का गुणा दो में करवाएंगे माइनस कर का बीस आ जाएगा बराबर कितने के आ जाएगा एक्स वाई के ठीक है देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में जब भी होते हैं कैंसिल हो जाता है कैंसिल कर दिया बचा कितना हमारे पास माइनस का टू एक्स प्लस दस वाई माइनस का बीस अब देखिए इन सबसे माइनस कामन ले लेंगे दिख रहा है ना आपको इतना ये देख लीजिए इन सब में माइनस कामन मिल रहा है क्योंकि एक प्लस में दो माइनस होते हैं एक माइनस हम कामन सबसे ले लेंगे और उस माइनस को हम जीरो में भेज देंगे भेज देंगे तो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी वो आ जाएगी दो एक्स माइनस दस वाई प्लस बीस बराबर जीरो के। ये घंटे अधिक लगते हैं तो वाई प्लस तीन बराबर कितने के एक्स वाई के यहाँ पे गुणा वाई में करवाएंगे एक्स वाई एक्स का गुणा तीन में करवाएंगे तीन एक्स दस का गुणा वाई में करवाएंगे दस वाई और दस का गुणा तीन में करवाएंगे माइनस का तीस बराबर कितने के एक्स वाई के तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा कैंसिल तो आ जाएगा तीन एक्स माइनस दस वाई माइनस तीस बराबर कितने के जीरो के ये बन जाएगी हमारी है सेकेंड कंडीशन अब देखिए यहाँ पे आपको आपको बताया गया है कि जब भी कुछ समान दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पे दस वाई दस वाई हमको समान दिख रहा है समान दिखे ठीक है उसके बाद बताया गया है कि अगर वो समान दिख रहा हो ठीक है तो हमें क्या करना होता है समान दिखे इसका मतलब हमें क्या करना है कि हम इन सब से समान दिख रहा है मतलब कि ये भी इसमें समान दिख रहा है मतलब कि हमें और चिन्ह भी समान है दोनों में जब चिन्ह भी समान हो और वैल्यू भी समान हो तो हमेशा क्या किया जाता है घटाया जाता है ठीक है तो लिख दीजिए समीकरण एक और दो को घटाने पर यही लिख दीजिए समीकरण एक और दो को घटाने पर तो चलिए घटा लेते हैं यहीं पर घटा लेते हैं इधर साइड पे ठीक है जब घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू एक्स माइनस दस वाई ठीक है प्लस में बीस कर सकते हैं बीच में माइनस का साइन लगता है लगा दिए घटाना और फिर यहाँ पे तीन एक्स माइनस कितना दस वाई माइनस कितने के तीस के बराबर कितने के जीरो के ठीक है ये बराबर जीरो के अब देखिए जब ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा चिन्ह बदलेगा तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस दस वाई प्लस बीस ठीक माइनस अंदर गया माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस दस वाई और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा तीस के आ जाएगा ठीक है तो देखिए दस वाई से दस वाई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और बीस और तीस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा पचास और दो एक्स में तीन एक्स घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का एक्स तो माइनस एक्स बराबर कितने के कि आ जाएगा पचास के ठीक है क्योंकि ये प्लस में है तो हम लिखेंगे प्लस बराबर कितने के जीरो के अब यहाँ पे हम पच्छांतर कर देंगे जब पच्छांतर कर देंगे तो माइनस एक्स बराबर इस तरह से लिख सकते हैं जब आया हमारा कितना आया घटाने पर माइनस एक्स प्लस पचास बराबर कितने के आया जीरो के इतने जब बराबर आया तो यहाँ पे हम पक्षांतर भी कर लेंगे लिख देंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस पचास के माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स बराबर कितने के आ जाएगा तो एक्स बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पचास के जब एक्स बराबर पचास आ गया समीकरण एक में उठा के रख देंगे ठीक है चलिए लिख देते हैं यहाँ पे एक्स बराबर जब हमारा पचास आ गया है ये लिख देते हैं लिख देंगे समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर ठीक है उठा के रखेंगे दो गुड़ते यही वैल्यू है हमारी एक्स का मान कितना था, पचास हमने लिख दिया पचास माइनस दस वाई प्लस बीस बराबर कितने के जीरो के ठीक है पचास दून कितना होता है सौ तो यहाँ पे आ जाएगा सौ माइनस दस वाई प्लस कितने के बीस के बराबर कितने के जीरो के ठीक अब देख लीजिए सौ बीस जुड़ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का दस वाई प्लस एक सौ बीस बराबर कितने के जीरो के अब यहां भी हम कर देंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का दस वाई बराबर माइनस का एक सौ बीस माइनस से माइनस कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल तो वाई बराबर कितना आ जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा बारह कितना आ जाएगा बारह तो देखिए हमारी जो एक्स की वैल्यू आई थी वो पचास आई थी और वाई की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है बारह जब वाई की वैल्यू बारह आ गई और एक्स की वैल्यू पचास आ गई तो उठा के हम इसे रख देते हैं चलिए आगे देख लेते हैं हमने करवाई दिया है समय रखना है तो हमने कितनी रेलगाड़ी की दूरी मानी थी रेलगाड़ी की दूरी मानी थी एक्स वाई तो उसी में उठा के मान को रख देते हैं तो देख लीजिए आगे ये देखिए लिख दिया हमने इस प्रकार रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एक्स वाई कितनी थी हमारी एक्स वाई थी यही माना था हमने तो देखिए एक्स वाई थी तो पचास एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बारह दोनों की मान रख दिया पचास और बारह गुणा करवाया कितना आ गया छः सौ किलोमीटर यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ेंगे ठीक है लेकिन क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो आज की क्लास में हम केवल तीन ही क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में हम जो फोर फाइव एंड सिक्स का अध्ययन करेंगे ठीक है पढ़ेंगे तो चलिए यहीं से आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है फिनिश